छात्रा की आपत्तिजनक फोटो वायरल करने वाले मंचले को किया पुलिस गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे भी न्यूज 24। मैं हूं आपका दोस्त दीपक कुमार। पेश है मुजफ्फरपुर बिहार से नागमणि की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर जिले में मंचलों ने एक नाबालिग छात्रा की आपत्तिजनक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद नाबालिग युवती की परेशानी बढ़ने लगी और फिर मामला थाने जा पहुंचा, जहां पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए तीन युवक को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक फरार चल रहा है। दरअसल पूरा मामला मुजफ्फरपुर जिले के सकरा थाना क्षेत्र के एक गांव की बताई जा रही है। आगे इसकी जानकारी सकरा थाना अध्यक्ष राम प्रसाद से सुने। कल 17 साल के लड़के उसके दोस्त, उसके जो बॉयफ्रेंड थे, उसके साथ लगातार बात कर रहे थे। ये हमारी माँ की बात है, उसके साथ बात कर रही थी। लगता है उसको प्रेशर देकर न्यूड फोटो उसका स्क्रीन शॉट ले लिया और उसको ब्लैकमेल कर रहा था। उसके परिवार वालों को जब ये बात की खबर हुई तो उसके परिवार वाले थाना पर आए, आवेदन दिया। आवेदन पर तत्काल कार्रवाई की गई, एफ आई आर दर्ज किया गया और उस लड़का ने अपने दोस्तों के साथ जो उसका फोटो वायरल किया था, सारी गिरफ्तारी हो चुकी है। सर, कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? अभी तीन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन फरार चल रहा है। कितने लोगों का आवेदन में नाम दिया गया था? चार लोगों का नाम दिया गया है। जी, अपना परिचय सर। हमको व्हाट्सएप पे ग्रुप में मैसेज आया और हमने फ़ोटो देखे तो वो मेरी बहन का फोटो था। तो हम दोस्तों में पूछताछ किए तो हमको चार लोगों का पता चला कि ये चार लोग फोटो को वायरल। कौन कौन चार लोग हैं? एक का नाम कुंदन है, दूसरा का विक्की, तीसरा में है रोशन और एक है सुजीत। फिर क्या हुआ आगे? तो हमने नज़दीकी थाना सकरा में कंप्लेन की, तो वो उन चारों को कल चार में से तीन अरेस्ट हुआ है और कुंदन का बड़ा भाई चंदन का अरेस्ट हो गया है। क्या नाम है आपका? अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।